अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, कैसे हो जनाब? करिए तो ठीक हो यार दोस्त। आज एक स्टोरी सुनी है, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी, मैंने तो खास तौर बड़ी इंटरेस्टिंग लगी है। वजह सर की है कि मैं इसी आम समझता सर भाई, कबूतर का पाज यार की है, कबूतर पाज यार मैं कहें जब शौक होता बच्चे का, लेकिन लेकिन ये तो बहुत यार हाई लेवल का गेम है यार। ये मेरा दोस्त है शायद परदेसी साहब, सियालकोट के नारोवाल के चैंपियन बने हैं, हूँ पिछले हफ्ते बहुत बड़ा टूर्नामेंट हुए, टूर्नामेंट सर इन्हें मैंने स्टोरी सुनाई है, बल्कि पूरे हफ्ते सर स्टोरी सुनाते रहे। असं पहले दो दिन तक इन्हें आम समझे, लेकिन जैसे मैच इनामात की बरसात होने शुरू हुई है, इन्हें मैंने वीडियो दिखाई ने, तो मैं आखा यार अपने दोस्तों नाल शेयर करता कि यार कबूतरबाजी इतनी हाई लेवल पर जा सकती है। वो इस तरह के सर पिछले एक हफ्ता पहले टूर्नामेंट होए सियालकोट में कबूतरबाजी का, उन्हें 36 टीमों ने हिस्सा लिया है और पहला उन्हों का इनाम आई 8 लाख रुपए, 8 लाख इनाम। ये क्रिकेट है आम यार 50,000 लाख तो इनाम भी होता, तो कबूतरबाजी 8 लाख रुपए इनाम आए। और माशाल्लाह माशाल्लाह जट साहब 3 मैच होंगे ने, एक एक दिन का गैप होंगे और ये चैंपियन रहे हैं जिला सियालकोट नारोवाल के चैंपियन जिला शायद जट साहब। इन्हें तो पूछते हैं कि कबूतर कि ऐसी गिदड़ सिंह सिखाने ने जो इन्होंने ज्यादा टाइम लै जाते हैं उड़न के। जी जट साहब की हाल है? सब तो पहले असलामुअलैकुम साहब भाई, कबूतरबाजी एक ऐसी चीज़ है, अच्छा इन्हों जिन्ना ज्यादा वसी कर लो कर सकते, लेकिन ये मेहनत बहुत जरूरी है, मेहनत बहुत जरूरी है। कबूतर जिस टाइम परवास दे रही है ना, जिस टाइम कबूतर परवास दे रही है ना, इनाम वसूल किए ने और माशाल्लाह बड़े अच्छे इनाम आए 1-5 टूर्नामेंट इलावा इन्होंने आपस में गेम लग जाती है 50,000 लाख की भाई अगर मेरे कबूतर बाद आया तो जरा ना जिला नारोवाल और अपना नॉलेज भी कमेंट से लाजमी देन, अपना खास ख्याल रखो। आज अभी बड़े इस चीज एक्साइटेड है और इन्हें इनाम जीतने के बाद पार्टी दावत दी है, साढ़े 4 कोलीग्स ने, अभी शाम पार्टी खावे। असलाम।